कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अस्पतालों की मानवता को शर्मसार करने की खबर आए दिन देखने को मिलती है। वहीं अस्पतालों में खाली बेड होने के बाद भी मरीज को भर्ती नहीं किया जा रहा, लिहाजा मरीज के परिजन अपनी चारपहिया वाहन में मरीज को लेकर अस्पताल के बाहर उपचार करते दिखाई दे रहे हैं। ताजा घटना मऊ जिले के फातिमा अस्पताल का है, जहां एक महिला अपने परिजन को अस्पताल में भर्ती नहीं करने पर गाड़ी में तड़पती दिखी। वहीं महिला को देखने के लिए कोई भी डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा, जिसके बाद गाड़ी को ही वार्ड बनाकर परिजन खुद अपने मरीज को इलाज कराते दिखे। आपको बता दें कि मोहम्मदाबाद गोहना कस्बे की रहने वाली कहकशा अपनी मरीज को सांस लेने की तकलीफ के बाद शहर के फातिमा अस्पताल लेकर पहुंची, जो कि कोविड अस्पताल है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उसे ये कह के भर्ती नहीं किया कि अभी अस्पताल में बेड खाली नहीं है। कहकशा का आरोप था कि अस्पताल में बेड खाली पड़े हैं, लेकिन फातिमा अस्पताल जो कि कोविड अस्पताल है उसमें मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है। वे तीन बार अस्पताल आई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने तीनों बार उसे भर्ती करने से मना कर दिया। अभी कल ही फातिमा कोविड अस्पताल में इलाज में लापरवाही के दौरान उसकी माँ की मौत हुई थी। वहीं आज घर के किश्तदार को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल लेकर आई हैं, लेकिन मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा रहा, जिसके बाद पीड़ित महिला गर्मी में ही तड़पती रही और गाड़ी में ही पड़ी रही। वहीं मरीज के परिजन खुद ही महिला का प्रारंभिक उपचार कर रहे थे। कहकशा का कहना है कि आखिर कब तक ये अस्पताल ऐसे ही लोगों को मौत के मुंह में झोंकते रहेंगे, आखिर इन अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वहीं इस पूरे मामले में फातिमा अस्पताल का कोई भी अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं आप? मोहम्मदाबाद से इनको तीन बार लेकर के आ चुके हैं। हाँ। तीनों बार जो इनको वापस कर दे रहे हैं, अब पूरा सब कुछ है यहाँ, पूरा बेड खाली पड़ा हुआ अंदर। कल मेरी मम्मी यहीं से डेथ हो गई, मेरी मम्मी की यहीं पे। कौन सा हॉस्पिटल है ये? फातिमा हॉस्पिटल। सब पूरा बेड खाली हुआ है, कई मरीज पेशेंट खाली है।